तो गाइस कैसी लग रही है वॉच, इसी वॉच की बात करने वाले हैं हम पूरी वीडियो में। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक किए रखते हैं 200 ऑनली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो वॉच है हमारी, ये कलर वॉच 3 प्रो जो है उससे बेटर क्यों है। तो इसका जो लुक है आप देख सकते हैं, इसमें जो डिस्प्ले वो फुल है। जैसे कलर वॉच जो 3 है Amazfit की, वो कल लॉन्च होने वाली है, तो उसका भी डिस्प्ले कुछ इसी प्रकार का है। इसके कुछ बॉक्स पे डिटेल दिए गए हैं, वो देख लीजिए। IP68 मिल जाता है आपको, 44mm का जो है ये डायल मिल जाता है। साथ में आपको इसमें वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है, देखिए कौन सा, जो मैग्नेटिक पिन वाले होते हैं। तो ये कुछ है बॉक्स के कंटेंट। साथ ही इसमें आपको एक यूज़र मैनुअल भी मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसे आप पढ़ेंगे तो है नहीं, तो इसे हम फेंक देते हैं, आप भी फेंक देना, या फिर किसी काम आ सकता है तो आप रख भी सकते हो, ठीक है गाइस। उसके बाद हम बात करें अपने स्मार्ट वॉच के बारे में, तो मैं आपको क्लोज लुक दिखाता हूँ। देखिए ये है इसका डायल। सबसे अच्छी बात मुझे इसके डायल, सबसे बेस्ट पार्ट और सबसे अच्छी बात जो लगी मुझे इसका डायल ही लगा, ये फुल स्क्रीन है। इस पे यार मैं हंसते हंसते यार आराम से 3000-4000 दे सकता हूँ। स्मार्ट वॉच यार वैसे भी आपको चमकाना ही है, तो आपको से जो मेन चीज़ होता है वो डिस्प्ले से ही होता है, और डिस्प्ले इसकी यार काफ़ी अच्छी है और टच भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। तो इस प्रकार की डिस्प्ले आपको मिल जाती है, इसीलिए मैं इसको कलर वॉच 3 से कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट जो प्राइस के डिफरेंस है वो हाफ है। कलर वॉच जहाँ 5000 की आने वाली है, वहाँ ये आपको 2500 में मिल जाती है। इसकी डिटेल्स देख लीजिए, ये वॉच 6 के नाम से आता है, इसे W26 प्लस भी बोला जाता है। और इसका जो क्राउन है वो भी वर्किंग है, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। इसका एम एक्टिव ऐप आता है जिसका QR कोड आपको फ़ोन में इसी वॉच के अंदर मिल सकता है, उसे स्कैन करते ही आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ये हमारा QR कोड है, इसे अपने फ़ोन में स्कैन कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए इसका ऐप। और इसमें दो स्टाइल से आप मेन्यू खोल सकते हैं, ये आईफोन वाले स्टाइल है जैसे एप्पल वॉच में होता है, और इसका क्राउन वर्किंग है जैसे कि जूम आउट और जूम कर सकते हैं जैसे ओरिजिनल एप्पल वॉच में होता है। तो इसकी जो फीलिंग्स है यार, अब 2500 रुपये के हिसाब से फीलिंग इन हैंड फीलिंग जो है यार पैसे वसूल है। और ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद इसमें एक और फीचर, जैसे इसमें हम कॉल ले भी सकते हैं और इसमें माइक और स्पीकर आपको दोनों ही मिल जाते हैं। तो इसमें और ये स्लीप मॉनिटरिंग जो है, इसका फीचर मुझे अच्छा लगा, ये स्लीप काउंट भी अच्छा करता है। जैसे मैंने मी फिट बैंड से कंपेयर किया तो ठीक ऑलमोस्ट बराबर ही थे। और बाकी इसमें ECG और टेम्परेचर मीटर मिल जाता है, आई डोंट थिंक कि वो वर्क करते होंगे प्रॉपर्ली, बट यार फीचर है तो सॉफ कर सकते हो, मिल जाते हैं तो आप यूज़फुल तो हो या ना हो सॉफ के तो काम आएंगे। और इसमें ऑटो सिंक के ऑप्शन मिल जाते हैं, और फ्लिप टू म्यूट, फ्लिप टू लाइट अप स्क्रीन, ये सब भी ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको कैलकुलेटर या फ़ोन डायलर जैसे जो भी ऐप्स है सभी कुछ मिल जाते हैं। जैसे कलर वॉच 3 भी आप लोगे तो उसमें आपको स्पीकर नहीं मिलेगा, और इसमें स्टॉप वॉच और ये कुछ फीचर्स हैं, ये सभी इसमें वर्किंग है। जितने भी फीचर्स हैं सभी वर्किंग है, और म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो और म्यूज़िक को डायरेक्ट इस वॉच से प्ले कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको इनबिल्ट स्पीकर मिल जाता है और साथ ही इनबिल्ट माइक्रोफोन भी मिल जाता है। तो देख सकते हो आपको डिस्प्ले क्लैरिटी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और इस वॉच को बाई करने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं और वहाँ से भी बाई कर सकते हैं। ये 2500 के पड़ेगा और आपकी जो भी लोकेशन होगी उस हिसाब से डिलीवरी चार्ज लगेगा। और गाइस इसे चार्जिंग की बात करें तो जुगाड़ लेके बैठे पावर बैंक MI का, तो हमने पावर बैंक में इसका जो USB टाइप वाला चार्जर है वो कनेक्ट कर दिया। और ये मैग्नेटिक चार्जिंग है, जैसे ही हम इसको पीछे ले जाएंगे ये देखिए ऑटोमेटिक ही कनेक्ट हो जाता है, ये देखिए गाइस कनेक्ट हो गया और ये चार्जिंग कनेक्टेड, और ये चार्जिंग हो रहा है देख लीजिए आप, इसका जो चार्जिंग आइकन है उस पर चार्जिंग हो रहा है। और वहीं बैटरी लाइफ की बात करें तो आपको ये 3 से 5 दिन की बैटरी लाइफ ईजिली निकाल के दे देता है, क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छी है, AMOLED वाली पूरी फीलिंग्स आती है, मतलब ऑलमोस्ट AMOLED के बराबर की डिस्प्ले दी गई है इसमें। तो कलर वॉच 3 कहाँ इसको कंपेयर कर पाता है। तो अगर आप अपने कुछ पैसे बचाना चाहते हैं और एक अच्छी स्मार्ट वॉच लेना चाहते हैं तो आप इसकी तरफ बिल्कुल ही जा सकते हैं। और इसमें वॉच फेसेस जो दिए हुए हैं वो एक से एक प्रीमियम वॉच फेसेस हैं, और अलग से भी आप डाउनलोड करके लगा सकते हैं।
तो कैसी लगी आपको वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।